अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन वीडियोज़ को भी आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेंगे, हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं कॉमर्स एमसीक्यूज़, जो आपको अकाउंटिंग एंड कॉमर्स के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे जिसमें आपको एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं, वहाँ पर ये आपको हेल्प आउट करेंगे। कॉमर्स एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन फॉर सीएसएस, अगर आप सीएसएस करना चाहते हैं, पीएमएस करना चाहते हैं, एनटीएस के टेस्ट देना चाहते हैं, पीटीएस या ओटीएस या इसी तरह के और टेस्टिंग जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं, वहाँ पर अगर आप एमसीक्यूज़ के टेस्ट देना चाहते हैं या आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और जॉब के लिए आप जब टेस्ट देते हैं तो आपको एमसीक्यूज़ का जो टेस्ट देते हैं तो उसको उसमें ये आपको हेल्प करेंगे। जितनी भी आपसे आपके अकाउंट से रिलेटेड जॉब्स हैं, कॉमर्स से रिलेटेड जॉब्स हैं, ऑडिटिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं, उन तमाम जॉब्स में ये आपको हेल्प करेंगे। हम इसमें क्या कौन कौन से एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, कास्ट अकाउंटिंग के डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के डिस्कस करेंगे, ऑडिटिंग के डिस्कस करेंगे, इनकम टैक्स, बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ के डिस्कस करेंगे एंड इकोनॉमिक्स के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, वो आपके सीएसएस के एग्जाम्स हो, पीएमएस के हो, एनटीएस, पीटीएस, ओटीएस या अदर एफपीएनसी के जो हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, केपी पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को या आपके बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हो, तमाम एमसीक्यू, ये आपकी तमाम आपको अकाउंट से रिलेटेड आपकी जितनी भी जॉब्स होंगी उसमें ये आपको हेल्प करेंगे। अब हम देखते हैं, फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ एमसीक्यूज़ हैं। हम अपने लेक्चर में, आज ये लेक्चर फर्स्ट है आपका, इसी तरह सेकंड में भी हम डिस्कस करेंगे, थर्ड में भी। फर्स्ट हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़, फिर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के, इनकम टैक्स, बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ और इकोनॉमिक्स के। तो वन बाई वन इसको हम डेली बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके अकाउंटिंग के, जिस वक्त आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या ऑडिट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ही आपको हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जो आपका जनरली आपका नॉर्मली जो है फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में आता है। तो हम देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग के हैं। आपको फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग में आपके कौन कौन से एमसीक्यूज़ आपने प्रिपेयर करने होते हैं सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए या डिफरेंट और आपके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो फर्स्ट है, फर्स्ट एमसीक्यूज़ हम देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर कॉल्ड। आपको जैसा पता है कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या आपके कहते हैं बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री, आपकी ये जो बुक है अकाउंटिंग की, अब जिसको हम जर्नल बुक कहते हैं कि जर्नल बुक ही आपकी एक अकाउंटिंग की जो बुक है ये आपकी ओरिजिनल एंट्री बुक होती है, या हम इसकी जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम तभी भी यही कहते हैं, इट इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस की लेन देन की जब बात हो रही होती है तो फर्स्ट आपकी जो बुक होती है उसको हम नेम देते हैं जर्नल बुक का। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कि जब आपकी ट्रांजैक्शन होती है तो फर्स्ट आप किस बुक में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ये जो फर्स्ट बुक मेंटेन होती है वो अकाउंटिंग साइकिल में या अकाउंटिंग में कौन सी बुक होती है, वो आपकी जर्नल बुक होती है। तो देखिए आपको ऑप्शन गिवन होंगे, जर्नल बुक, लेजर अकाउंट, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस। आपको इसके अलावा भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, आपकी कोई और भी ऑप्शन इसमें हो सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है वो आपकी क्या है, जर्नल बुक है। क्योंकि हम जिस वक्त अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं या अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस करते हैं तो हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जर्नल इज़ अ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये आपकी फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसको ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो आपने ये हमेशा देखना है कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपकी कौन सी है, जर्नल बुक, या आप कहते हैं जनरल जर्नल, इसको आप जर्नल जर्नल भी कह सकते हैं और जर्नल बुक भी कह सकते हैं, कि आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी है, जर्नल बुक आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं हम, सेकंड एमसीक्यू देखें तो हम कहते हैं प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, प्रीपेड एक्सपेंस आर शोन एज अ पार्ट ऑफ। अब प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है पेड इन एडवांस, जो आप एडवांस में पेमेंट कर देते हैं उसको आप कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस।
तो देखें ये अभी आपका एक्सपेंस नहीं हुआ, लेकिन आपने ये पेमेंट एडवांस में की हुई है, ये कैश आपने एडवांस में पे किया हुआ है। जब आपने कैश एडवांस में पे किया हुआ है तो कैश बिजनेस का एसेट है, ये एक्सपेंस अभी तक नहीं हुए। तो जब नहीं हुए तो आप इसको कंसिडर करते हैं कि ये कैश आपके पास बैलेंस में मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बिल्डिंग ली है, अब बिल्डिंग का रेंट आपने दे दिया है फॉर 6 मंथ या 1 ईयर के लिए, आपने जुलाई से जून तक आपने पे कर दिया है, तो ये मंथ चल रहा है जुलाई का, लेकिन आपका फर्स्ट मंथ अभी जुलाई है, जुलाई में आपने पे किया है और जुलाई गुजर चुका है, तो जुलाई का जो एक्सपेंस जो आपने पे किया हुआ है वो तो आपका ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जून तक आपने जो पे किया है, ये आपके तमाम के तमाम आप कहते हो जी कैश मौजूद है, ये आपका एसेट है, ये आपका कैश है। और कैश बिजनेस का एसेट उस वक्त तक होता है जब तक ये एक्सपेंस नहीं बन जाता। तो जब तक ये आपने एडवांस में पे किया है, प्रीपेड एक्सपेंस मीन पेड इन एडवांस, जब आप एडवांस में इसको पे कर चुके हो तो इट्स मीन ये आपका क्या है, ये बिज़नेस का एसेट है। तो आप देखते हैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट आपका है ओनर इक्विटी, सेकंड है लाइबिलिटी, थर्ड वन एसेट्स एंड डी आपका क्या है एक्सपेंसेस। तो आप इसमें किसको आपका आंसर क्या होगा, एसेट्स। क्यों एसेट्स होगा कि प्री पेड एक्सपेंस है कि पेड इन एडवांस, कि आप इसको एडवांस में पे कर चुके हैं, अभी तक ये आपका एक्सपेंस नहीं बना। जब एक्सपेंस बन जाएगा तो वो तो फिर एक्सपेंस है, वो आपका एक्सपेंस में ही जाएगा, लेकिन जब तक ये पेड इन एडवांस है, ये प्री पेड है, पेड इन एडवांस है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एसेट है, कि आप इसको कंसिडर करते हैं कि ये आपके बिजनेस में कैश का बैलेंस है, कैश आपके पास मौजूद है, अभी तक ये कैश आपने एक्सपेंस के तौर पर नहीं लिया। जब वो मंथ गुजर जाएगा, फॉर एग्जांपल जुलाई का जब मंथ गुजर गया तो वो एक्सपेंस बन गया, इसी तरह अगस्त का मंथ गुजर गया तो वो आपका एक्सपेंस बन गया, और आने वाले मंथ का जो एडवांस पे किया हुआ वो आपका क्या है, वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। और प्रीपेड एक्सपेंस बिजनेस का क्या होता है, एसेट होता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, एसेट लिखेंगे, कि आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी एस आपका जो है वो ऑप्शन करेक्ट है, कि ये आपका एसेट है। तो देखिए आपने सब फर्स्ट ये देखना है कि आपने बिजनेस उस जो आपको MCQs दिया हुआ है या जो आपको आपने फर्स्ट उसको रीड करना है कि आपसे वो रिक्वायर के ऑप्शन तो चेंज हो सकते हैं, ऑप्शन तो चेंज होंगे, लेकिन आपने जो है उसकी स्टेटमेंट को देखना है कि स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट देखें, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, आप जब बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट में तो आप देखें तो बैलेंस शीट की एक एसेट साइड होती है और दूसरी आपकी लाइबिलिटी या इक्विटी साइड होती है। तो आपकी जो एसेट साइड है, तो या आपको अब पता है यहाँ पर भी आपको क्लियर हो रहा है कि क्योंकि आप बैलेंस शीट में एंटर कर रहे हैं तो बैलेंस शीट की तो या इक्विटी आएगा या एसेट आएंगे या लाइबिलिटी आएगा, एक साइड आपकी एसेट्स होती हैं और दूसरी साइड से आपकी लाइबिलिटी होती है। तो फर्स्ट आपने यहाँ क्लियर हो गया आपको, या तो ये एसेट होगा या आपकी लाइबिलिटी होगा। तो जब प्रीपेड है, पेड इन एडवांस है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका एसेट है, क्योंकि आप इसको कैश बैलेंस के तौर पर कंसिडर करेंगे। तो देखें फर्स्ट आपने बैलेंस शीट को देखना है कि प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, क्या बैलेंस शीट बना रहे हैं। सेकंड आपने देखना है कि कोई भी एक्सपेंस बैलेंस शीट में नहीं जाता, एक्सपेंस आपका इनकम स्टेटमेंट में जाता है। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड मीन पेड इन एडवांस है, तो ये आपका इसलिए क्या है, ये आपका एसेट है कि अभी तक ये एक्सपेंसेस आपके नहीं हुए, ये आपने एडवांस में पे किए हुए हैं, इसलिए आप इसको किस चीज़ में कंसिडर करेंगे, एसेट्स में लेंगे कि ये बिज़नेस का क्या है, एसेट है। आप हम 3 पर जाते हैं। नंबर 3 देखिए, अनपेड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड अनपेड, अभी तक आपने ये एक्सपेंस पे नहीं किए, एक्सपेंस तो बिजनेस के हैं आपने, लेकिन अभी तक ये कैश की सूरत में नहीं पे किए, आपने ये एक्सपेंस पे करने हैं। जैसे आपकी सैलरी है, सैलरी आप मंथ के लास्ट में पे नहीं करते, बल्कि नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को पे करते हैं, सेकंड को पे करते हैं प्रीवियस मंथ की सैलरी। तो जो लास्ट मंथ की सैलरी है, 30th को जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे होते हैं, तो आपने कहा कि ये इस मंथ का सैलरी एक्सपेंस तो है, लेकिन अभी तक हमने इसको पे नहीं किया। जब तक आपने पे नहीं किया तो ये आपका क्या है, एक्रूड एक्सपेंसेस है। तो देखें हम आपको डिफरेंट आपके ऑप्शन दिए होंगे, ए में ट्रेड एक्सपेंसेस है, बी में बिजनेस एक्सपेंसेस है, सी आपका एक्रूड एक्सपेंसेस है, और डी आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए जब अनपेड है, अनरिकॉर्डेड है या अनपेड है, तो ये आपका क्या है, एक्रूड एक्सपेंसेस है। एक्रूड एक्सपेंस मीन एक्सपेंस तो हो चुका है लेकिन अभी तक हमने इसको पे नहीं किया। यहाँ देखें हम पे जब एडवांस में कर चुके हैं तो इसको आप प्रीपेड का नेम देते हैं, तो ये आपका एसेट है, और जब आपने पे नहीं किया तो ये आपकी लाइबिलिटी है। एक्रूड एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी है।
आपने अभी तक इसको पे नहीं किया, आपने पे करना है कि जैसे आपको मैंने सैलरी की एग्जांपल दी कि आपकी सैलरी है इस मंथ के लास्ट तक आपने पे नहीं की और ये आपने पे करनी है, तो इसको आपने नेक्स्ट मंथ में पे करना है। तो जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे होंगे तो आप इसको किस नेम से रिकॉर्ड करेंगे? एक्रूड एक्सपेंसेस, कि जितने भी अनपेड एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंस आपने पे करने हैं, आप इसको किस नेम से लिखते हैं? एक्रूड एक्सपेंसेस के नेम से लिखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? ऑप्शन सी, कि आपके ये क्या हैं? एक्रूड एक्सपेंसेस हैं। इस तरह हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर फोर। फोर को देखें, कैश और अदर एसेट्स विथड्रॉ रिमूव फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज आर कॉल्ड। हम अगर देखें तो हम देखते हैं कि बिज़नेस का ओनर जब पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस का कोई भी एसेट विड्रॉ करता है या कैश विड्रॉ करता है तो हम उसको ड्राइंग का नाम देते हैं। हमने डेफिनेशन जब ड्राइंग की पढ़ी थी तो हम कहते हैं कैश और एनी अदर एसेट विड्रॉ बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़ इट्स कॉल्ड ड्राइंग। जब बिज़नेस का ओनर बिज़नेस के पर्सनल बिजनेस से जो भी एसेट हो या कैश विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम उसको ड्राइंग का नेम देते हैं। तो देखें, कैश और अदर एसेट्स विड्रॉ और रिमूव फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़, बाय द ओनर। अगर पर्सनल यूज़ का पर्सनल यूज़ नहीं भी लिखा हुआ, बाय द ओनर लिखा हुआ, ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करेगा। अगर बिजनेस यूज़ के लिए यूज़ करता तो फिर तो वो एक्सपेंस होते, जब उसने पर्सनल यूज़ का नेम यूज़ कर दिया तो इट्स कॉल्ड ड्राइंग। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन बी, ड्राइंग। ए का आपको कैपिटल गिवन था, बी में ड्राइंग था, सी में लाइबिलिटी था और फोर्थ में आपका डी में नन ऑफ दीज था। लेकिन आपने कहा कि ड्राइंग, ड्राइंग क्यों कहा? कि पर्सनल यूज़ ऑफ ओनर है, कि जब बिजनेस से आप पर्सनल यूज़ के लिए ओनर विड्रॉ कर रहा है तो इसको किस चीज़ का नेम दिया जाता है? ड्राइंग का नेम दिया जाता है। सो इट्स मीन आपका ऑप्शन बी क्या है वो आपका करेक्ट होगा। तो देखिए, आपने कहा कैश और अदर एसेट्स, आपका कैश हो या कोई भी अदर एसेट्स हो, आपने जब विड्रॉ कर रहा है ओनर अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है फॉर इस पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है, तो वो क्या है? वो आपका ड्राइंग है। इसी तरह देखिए, अगर ओनर है, ओनर देखिए आपकी ऑफिस भी कभी रेंट हो सकता है, ओनर का पर्सनल घर है वो भी रेंट पर हो सकता है। अगर ओनर अपने पर्सनल घर का रेंट बिजनेस से पे करता है तो ये ड्राइंग है, क्योंकि वो पर्सनल घर जो है उसका, वो पर्सनल हाउस का वो क्या कर रहा है? पे कर रहा है। लेकिन अगर बिल्डिंग के लिए बिजनेस वो पे करेगा या ऑफिस का पे करेगा तो वो आपका क्या है? वो एक्सपेंस है, वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा कि वो आपके ऑफिस का रेंट पे कर रहा है। लेकिन अगर उसका पर्सनल जो घर है उसका रेंट पे कर रहा है तो इट्स मीन ये क्या है? ड्राइंग है, क्योंकि वो घर उसके ज़ाती यूज़ में है। जब पर्सनल यूज़ में वो घर है, ज़ाती इस्तेमाल में वो घर है, तो वो आपका क्या है? ड्राइंग है। तो जब वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ विड्रॉ करेगा, कोई भी कैश विड्रॉ करेगा या एसेट विड्रॉ करेगा या रिमूव करेगा फ्रॉम बिजनेस अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो आपका क्या होगा? ड्राइंग होगा। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन बी को, ड्राइंग को, या ऑप्शन बी को आपने क्या करना है? सेलेक्ट करना है कि ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर फाइव पे हम चलते हैं। फाइव क्या है? ऑल ऑफ फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट। अभी आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे दी गई हैं, आपको पता है कि बिजनेस की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। आप कहते हैं सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड कॉरपोरेशन। तो जब आपको पता है कि सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स हैं। अब रिमेनिंग इसमें एक रह जाता है जो आपका ऑप्शन डी है, रिटेलर। रिटेलर, होल सेलर, ये आपकी बिजनेस की टाइप में नहीं आता। आपकी जो बिज़नेस की टाइप्स हैं आपकी, वो क्या है? देखिए, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, ये आपकी बिज़नेस की फॉर्म्स में नहीं आता। आपकी बिज़नेस की फॉर्म्स कौन सी हैं? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कॉरपोरेशन। तो ये तीन आपकी, आपको पता चल गया कि ये तीन हमारे बिज़नेस की फॉर्म्स हैं। तो लास्ट वन आपका कौन सा है? रिटेलर। तो रिटेलर आपका क्या है? ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये आपका रिटेलर जो है, ये आपका बिज़नेस की फॉर्म में नहीं आता। और क्वेश्चन भी उसका ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्ट, कि उसने कहा कि आपकी तो वो तमाम जो ये देखें तो इन फॉलोइंग में आपको जो गिवन है ये बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स हैं, लेकिन कौन सी ऐसी फॉर्म है जो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता? वो आपकी क्या है? रिटेलर। तो आपने कहा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम बिजनेस की फॉर्म्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, एक्सेप्ट वो कौन सी है जो नहीं है? तो वो आपकी कौन सी है? रिटेलर। नंबर सिक्स पे आते हैं, इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट इन द फ्यूचर आर रेफर टू एज। अच्छा,
यहाँ देखें इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, ऐसे इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज बिजनेस के जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा देते हैं, तो वो कौन से हैं? वो आपके एसेट्स हैं। देखें एसेट आज आपने ख़रीद लिया, कोई बिल्डिंग ख़रीद लेते हैं, कोई मशीनरी परचेज कर लेते हैं, लैंड परचेज कर लेते हैं, तो ये आपके इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज हैं और ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। तो देखें वो तमाम, देखें बिल्डिंग भी बिज़नेस का एसेट है, लैंड भी बिल्डिंग बिज़नेस का एसेट है, फर्नीचर भी बिज़नेस का एसेट, और ये तमाम एसेट्स आपको फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। तो ऐसे तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो जो बिज़नेस के ऐसे तमाम इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा देते हैं, वो आपके क्या होते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। और ये एसेट्स की डेफिनेशन भी आता है कि वो तमाम रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी अ बेनिफिट इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में आपको फ़ायदा देते हैं, ये तमाम इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके एसेट्स कहलाते हैं। तो देखिए बाकी ऑप्शन तो आपके चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आएगा? एसेट आता है कि ये वो इकोनॉमिक बिजनेस के जो इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज हैं बिजनेस के, कि जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। तो एसेट इज़ अ करेक्ट आंसर। इसी तरह हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें सेवन्थ नंबर, एन ओनर इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग इनटू द बिजनेस वुड, अब अगर ओनर बिजनेस को एसेट दे रहा है, बिल्डिंग दे रहा है, लैंड दे रहा है, मशीन दे रहा है, कैश दे रहा है, कोई भी एसेट दे रहा है, तो देखिए दो चीज़ें बिजनेस में इंक्रीज हो रही होती हैं। एक तो आपका लैंड इंक्रीज़ हो रहा है अगर इस क्वेश्चन के मुताबिक, और बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रहा है। सेकंड, ओनर इक्विटी भी इंक्रीज़ हो रहा होता है कि अगर वो विड्रॉ कर रहा होता है तो दोनों चीज़ें डिक्रीज़ हो रही होती हैं, एसेट भी डिक्रीज़ हो रहा होता है और जो आपका आपका ओनर इक्विटी भी डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो यहाँ अगर देखें तो इंक्रीज़ हो रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट मीन कि आपका बिल्डिंग या लैंड के नेम से एसेट भी इंक्रीज़ हो रहा है और ओनर इक्विटी भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो एक देखें, जब बिज़नेस की ट्रांजैक्शन होती हैं तो उसमें आपके दो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व होते हैं हमेशा। इसी तरह इसमें भी आपके दो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व है, एक आपका लैंड और बिल्डिंग है और दूसरा आपका, क्योंकि ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आपकी इक्विटी या कैपिटल है। तो इट्स मीन आपका एसेट भी इंक्रीज़ हो रहा होगा और आपकी इक्विटी और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज एसेट एंड इंक्रीज इक्विटी, ये बिल्कुल गलत है। इंक्रीज लाइबिलिटी एंड इंक्रीज एसेट्स, ये भी आपका बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ अगर आपने कहा कि एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा ओनर इक्विटी इंक्रीज़ हो रहा है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज इक्विटी। तो इसी तरह हमने देखा डिक्रीज लाइबिलिटी एंड इंक्रीज एसेट्स आपका डी ऑप्शन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज इक्विटी, कि देखिए आपका एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए आपका एक साइड पे इक्विटी इंक्रीज़ हो रहा है और एक साइड पे आपका एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। नंबर एट पे हम आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड यूजुअली हैव अ डेबिट बैलेंस। अब आपका डेबिट बैलेंस अगर आप देखें तो डेबिट आपके, आपको पता है कि अकाउंटिंग में एक आपकी साइड डेबिट होती है और दूसरी आपकी क्रेडिट होती है। तो अब देखें डेबिट आपका क्या होगा? कैपिटल, कैपिटल तो हमेशा आपकी जब भी इंक्रीज होता है इसको क्रेडिट करते हैं, कैपिटल कभी डेबिट नहीं होता। सैलरी एक्सपेंस, सैलरी आपका एक्सपेंस है और सैलरी आपका हमेशा डेबिट होता है। रेवेन्यू, ये भी आपका हमेशा क्रेडिट होता है। सेल्स भी आपका हमेशा क्रेडिट होता है। तो इट्स मीन सैलरी एक्सपेंस आपका क्या है? सैलरी आपका एक्सपेंस है और सैलरी जब भी इंक्रीज होता है आपका ये डेबिट होता है, सैलरी आपका कभी भी क्रेडिट नहीं होता। और क्वेश्चन भी वो आपसे यही पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड यूजुअली हैव अ डेबिट बैलेंस, आपका वो कौन सा अकाउंट है जिसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है? तो वो आपका कौन सा है? सैलरी अकाउंट है, कि सैलरी का आपका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? ये आपका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट आपका क्या है? नाइन नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पाकिस्तान कैन बी फिक्स्ड एट द फॉलोइंग, एक पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? तो मिनिमम तो टू होते हैं और मैक्सिमम आपके कितने होते हैं? 50। आपने कहा एज पर पाकिस्तान, आप देखें पार्टनरशिप एक्ट 1932, पाकिस्तान का जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 के मुताबिक, उसमें आपके पार्टनर्स की मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है? 50। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर, कि अब फर्स्ट आपको 50 है, सेकंड बी आपका 20 है, सी 7 और डी आपका नन ऑफ दीज। लेकिन आपने कहा पॉइंट आपका ऑप्शन वन इज़ अ, ये ऑप्शन ए आपका क्या है? ये करेक्ट है। इस तरह हम 10 पे आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज,
अगर शॉर्ट टर्म लोन देखें तो शॉर्ट टर्म लोन की डेफिनेशन है वो तमाम लोन जो आप वन ईयर के लिए लेते हैं कि आपने वन ईयर में इसको आपने इस लोन को पे बैक कर देना होता है, आपने पे कर देना होता है, हम इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म कहते हैं। जब वो मोर देन आपका वन ईयर होता है तो आप उसको इंटरमीडिएट टर्म कहते हैं, और जब आपका मोर देन फाइव ईयर होता है तो आप उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन का नाम देते हैं। देखिए आप, क्योंकि ये वन ईयर आपने कहा कि शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म आपने कहा इन वन ईयर, ड्यूरिंग वन ईयर आपने इसको पे बैक करना है। इंटरमीडिएट टर्म है तो वो आपको फाइव ईयर्स भी हो सकता है, फाइव ईयर्स में जितने भी आपने रिटर्न करने हो तो आप उसे इंटरमीडिएट देंगे, और इसके अलावा आपके अगर एक्स्ट्रा है तो उसको आप किस चीज़ का नेम देते हैं, उसको आप लॉन्ग टर्म लोन का नेम देते हैं। तो इसने कहा शॉर्ट टर्म लोन इज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज इफ पीरियड इज थ्री ईयर, इफ पीरियड इज लेस देन वन ईयर, इफ पीरियड इज ओवर वन ईयर, इफ द पीरियड इज फाइव ईयर। तो आप क्या कहेंगे, लेस देन फाइव वन ईयर, इफ द पीरियड इज लेस देन वन ईयर, ऑप्शन बी। क्योंकि आपने कहा कि शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन क्या है कि आपने जो वन ईयर में पे बैक कर देने होते हैं, जो वन ईयर में आपने पे कर देने होते हैं, रिटर्न कर देने होते हैं, आप उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन का नेम देते हैं। तो आपने कहा कि शॉर्ट टर्म लोन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड कि ऐसे तमाम लोन जो वन ईयर के अंदर अंदर आपने पे कर देने होते हैं वो आपके क्या हैं, शॉर्ट टर्म लोन से। इसी तरह नेक्स्ट आप कहते हैं इंक्रीज इन इनकम कॉन्स्टिट्यूट्स, इनकम जब इंक्रीज होता है तो आपका इनफ्लो इंक्रीज होता है, आपकी दो आप क्या आते हैं, एक आउटफ्लो और इनफ्लो। जब आपके एक्सपेंस जो हैं वो आपके आउटफ्लो में आते हैं, जब आपके एक्सपेंस कॉन्स्टिट्यूट्स हो रहे होते हैं तो ये आपके आउटफ्लो हैं, और जब इंक्रीज इन इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका क्या है, इनफ्लो है, और एक्सपेंस जो है वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो ये आपका क्या है, आउटफ्लो होता है। तो यहाँ पर इनका इंक्रीज इन इनकम कहा गया है तो ये आपका क्या है, इनफ्लो है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस तरह हम देखें द नीड ऑफ बुक कीपिंग आ रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स इन अ क्लियर एंड सिस्टमैटिक मैनर हैव गिवन राइज टू सब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग, मैनुफैक्चरिंग, अकाउंटिंग साइकिल और बिजनेस साइकिल। ये आपका अकाउंटिंग साइकिल इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि आप जब बुक कीपिंग कर रहे होते हैं तो एक्सपेंस को आप जो है इनकम एक्सपेंस को जब आप क्लियरली सिस्टमेटिकली मैनर से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आप इसको किस चीज़ का नेम देते हैं, अकाउंटिंग साइकिल का नेम देते हैं, कि अकाउंटिंग साइकिल में आप इसको क्या कर रहे होते हैं, इसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो बुक कीपिंग में तो आप कर रहे हैं, बुक कीपिंग आप क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने जब जर्नल एंड लेजर बना रहे होते हैं ट्रायल बैलेंस तक, तो ये आपका क्या है, बुक कीपिंग है। इसके बाद आप जब इसको एनालाइज कर रहे होते हैं और इसमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना रहे होते हैं या इसकी फाइनेंशियल रेशियोस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये तमाम किस्में आते हैं, ये अकाउंटिंग प्रोसेस में आते हैं। लेकिन अकाउंटिंग साइकिल आप देखें तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो अब अगर आप देखें तो जर्नल, लेजर जब बना रहे होते हैं ट्रायल बैलेंस तक, ये आपके क्या हैं, ये सारा आपकी बुक कीपिंग है। कि आप बुक कीपिंग मीन कि जर्नल एंड लेजर, ये आपकी दोनों बुक्स हैं कि जो बुक मेंटेन कर रहे होते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट शुरू हो जाती हैं जिसमें आप ट्रायल बैलेंस आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसी ट्रायल बैलेंस से फिर आप इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आप अगर यहाँ देखें तो आपने कहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लियर और सिस्टमेटिक मैनर से जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो ये आपका क्या है, अकाउंटिंग साइकिल में आता है। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। इसी तरह 13 पे हम आते हैं। 13 अगर आप देखें, इफ़ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट कैप्ट इन बिजनेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन बी असर्टेन्ड, कैन नॉट बी असर्टेन्ड, इजीली असर्टेन्ड एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए अगर आपकी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन नहीं करें तो आप कभी भी बिजनेस का प्रॉफिट, आप एक्चुअल प्रॉफिट जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इट्स मीन इट्स बी इज़ अ राइट आंसर, कि आपने कहा कि जो ऑप्शन बी है कैन नॉट बी असर्टेन, कि हम मालूम नहीं कर सकते एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट जब तक हम बिजनेस की प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर लेते। इस तरह 14 पे हम आते हैं। द सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्ड इन सेल्स जर्नल, स्पेशल जर्नल, जर्नल जर्नल एंड कैश पेमेंट जर्नल। तो ऑप्शन इज जर्नल जर्नल। द सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स, जब आप एसेट सेल कर रहे हैं तो एसेट अपने नेम से डेबिट या क्रेडिट होते हैं, इसलिए ये सेल जर्नल में भी नहीं जाते, स्पेशल जर्नल में भी नहीं जाते, कैश पेमेंट जर्नल में भी नहीं जाते। तो जब आप सेल्स कर रहे होते हैं एसेट्स को तो एसेट्स अपने नाम से डेबिट या क्रेडिट होता है, इसलिए हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए आपका जर्नल जर्नल, जो आपका जर्नल बुक है, हम इसको एसेट को जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये सेल्स ऑफ एसेट है। इस तरह 15 पे हम आते हैं। 15 को देखें, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर चार्ज टू बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नन ऑफ दीज। आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं।
जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं, और आपको पता है कि बैलेंस शीट में आपकी सिर्फ एसेट्स और इक्विटीज जाती हैं, या हम कहते हैं एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज जाती हैं आपकी बैलेंस शीट में, वो आइटम चले जाते हैं एसेट्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। और प्रॉफिट एंड लॉस में आपके जो जाते हैं वो आपके एक्सपेंसेस जाते हैं और आपके क्या जाते हैं रेवेन्यू जाता है या इनकम जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आपके कहाँ चले जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं। तो हम कहते हैं ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि जितने भी बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं, और जितने भी बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। तो आप इसमें कहते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट की ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, हमने 15 जो है वो MCQs देखे, ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से या प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका कि हम जितने भी इसमें वन बाय वन इसको डिस्कस करते रहेंगे, कि फर्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग के, इसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग पे जाएंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के, इनकम टैक्स के, बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ एंड इकोनॉमिक्स, ये तमाम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग के इसको MCQs को डिस्कस किया, सिर्फ आज हमने 15 MCQs को डिस्कस किया। इसी तरह हम आने वाले अपने लेक्चर्स में बाकी भी MCQs को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर चलेंगे, हम कोशिश करेंगे 100-200 एक एक आपके जो है वन बाय वन इसको लेके चलेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग के 100 या 200 आपको मैं बता सकूँ, सेम कॉस्ट अकाउंटिंग के 100 या 200 आपको MCQs बता सकूं, प्रिंसिपल अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग के, इसी तरह इनकम टैक्स लॉ के, बिजनेस लॉ और मर्केंटाइल लॉ के, और इकोनॉमिक्स के हम 100 या 200 तक हम MCQs को डिस्कस करेंगे जो आपके फ्रीक्वेंटली आपके इन एग्जाम्स में आपके यूज़ होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आप क्वेश्चन में अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।